दिल्ली के अंदर ओवरऑल बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेके हम सब लोग चिंतित हैं। अभी एक दो दिन पहले रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाओं के लिए दिल्ली मानी जा रही है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हमारे देश की राजधानी सबसे असुरक्षित होगी महिलाओं के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं LG साहब से और केंद्र सरकार से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है वे उठाएँ और हमसे जो भी मदद चाहिए हम करेंगे, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। दिल्ली के अंदर ओवरऑल बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेके हम सब लोग चिंतित हैं। अभी एक दो दिन पहले रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाओं के लिए दिल्ली मानी जा रही है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हमारे देश की राजधानी सबसे असुरक्षित होगी महिलाओं के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं LG साहब से और केंद्र सरकार से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है वे उठाएं और हमसे जो भी मदद चाहिए हम करेंगे, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। दिल्ली के अंदर ओवरऑल बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेके हम सब लोग चिंतित हैं। अभी एक दो दिन पहले रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाओं के लिए दिल्ली मानी जा रही है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हमारे देश की राजधानी सबसे असुरक्षित होगी महिलाओं के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं LG साहब से और केंद्र सरकार से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है वे उठाएं और हमसे जो भी मदद चाहिए हम करेंगे, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे।